क्वेश्चन नंबर वन, कार जिसका मास 800 केजी है इज टेकिंग टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस गिवन, एंगल ऑफ बैंकिंग गिवन है, अगर कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है तो मैक्सिमम स्पीड कार की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपको बैंकिंग का फॉर्मूला लिखवाया था, बैंकिंग का यही फॉर्मूला था, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डाल रखा है, आर पता है, जी पता है, थीटा पता है और म्यू भी पता है, पुट करो आंसर आ गया, डन क्लोज। इससे आसान क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड है, फिर कहते हैं मेज मुश्किल है, 2024 का तो ठीक ही है कम से कम। नेक्स्ट है, बॉल जिसका मास कितना है 0.5 केजी इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक बॉल एक धागे के साथ लटका दी गई है, बॉल इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉल को घुमा रहे हैं, मैक्सिमम टेंशन 400 है तो मैक्सिमम ओमेगा कितना है, तो अभी क्या सिखाया था, हॉरिजॉन्टल सर्कल में टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, आपको इसमें टेंशन दे दी, आपको इसमें आर दे दिया, एम दे दिया, यहां से ओमेगा निकाल लेना आंसर, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो हिंट समझ में आ रहा है, हाँ अगर ये मैक्सिमम है तो ओमेगा भी मैक्स अपने आप आ जाएगा, ठीक, आपको रेडियंस पर सेकंड में निकालना है आंसर। हाँ उसने बोला, ये देखो उसने क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड, तो यानी कि वी नहीं निकालना, ओमेगा निकालना है, अगर वो ये बोलता है कि वी निकालना है तो टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाता। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12, तो वी पता है ट्रेन का, ऑन अ रेल्स विच आर 1.5 मीटर अपार्ट, तो दो रेल्स के बीच में डिस्टेंस 1.5 मीटर है, टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, तो उस ट्रेन को 400 मीटर का चक्कर काटना है, द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल्स क्या होगा, तो क्या होता है, हम आउटर रेल्स को उठा देते हैं, बैंकिंग कर देते हैं रेल्स की, तो कितना उठाना है मीटर में ये बताना है, आपको बैंकिंग का एंगल नहीं बताना, आपको हाइट बतानी है कितना उठाना पड़ेगा, तो आप इसका डायग्राम ऐसा बना लें, ये रेल्स है 1.5 मीटर पार्ट ऐसी, तुमने ऐसे उठा दिया आउटर एंड को, तो आउटर एंड को एच उठाया, तो आपको एच निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में अब ये ट्राइंगल में बैंकिंग एंगल कितना गिवन है, थीटा, तो बिना फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन तो इसमें गिवन नहीं है, म्यू तो गिवन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं लेंगे तो टैन थीटा क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो याद करो बैंकिंग के अंदर जो भी तुमने फॉर्मूला किया था उसमें म्यू को जीरो पुट कर दो, टैन थीटा अपने आप वी स्क्वायर बाय आर जी आएगा, चाहे साइकिल वाला घूमे, चाहे कार वाला घूमे, चाहे कोई भी घूमे, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी ही होता है, तो आप टैन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी से वी पता है, आर पता है, जी पता है, एक आंसर आ गया, और इस ज्योमेट्री से टैन थीटा क्या होगा, एच डिवाइडेड बाय 1.5, तो आप एच अपॉन 1.5 को टैन थीटा की यहां से वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके एच की वैल्यू निकाल लें, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो 3:4, मतलब एक दो पार्टिकल्स हैं, एक 3R रेडियस में घूम रहा है, एक 4R रेडियस में घूम रहा है, then in order to have a constant centripetal force their velocities will be in the ratio what, तो force को equate कर दो ना, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं radius of curvature जो है इसमें क्या given है, ratio given है constant centripetal force, तो mv square by r same है, तो mv square by r में m1 v1 square by r1 is m2 v2 square by r2, क्योंकि इसके अंदर क्या given है, centripetal force इस question में same given है, तो centripetal से फोर्स सेम गिवन है, मास की वैल्यू भी सेम गिवन है, इक्वल मासेस हैं, तो मास को कैंसिल कर दिया और आपको किसकी रेशियो निकालनी है, वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, ऐसे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इक्वेट करके आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी पे आया पड़ा 2024 क्वेश्चन, इस एनसीईआरटी स्कूल का पेपर भी शायद इससे मुश्किल आता होगा, पक्की बात है, ठीक, अब देखते हैं 2025 क्या आएगा, देखना तो ये है, ठीक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, अ स्टोन जिसका मास 900 ग्राम है इज टाइड टू द स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, कौन सा सर्कल है, वर्टिकल है, ध्यान से ये पढ़ना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, इस बार वर्टिकल है, ऑफ रेडियस 1 मीटर मेकिंग 10 RPM, तो याद रखना RPM का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, 10 RPM रेवोल्यूशंस पर मिनट, और फ्रीक्वेंसी को 60 से डिवाइड करके क्या आएगा, RPS, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 2π × फ्रीक्वेंसी, वहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से आएगी, क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है, तो अगर ओमेगा चाहिए होगा तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड, टेंशन द स्ट्रिंग, स्टोन जब लोएस्ट पोजीशन पे होगा, देखो जब भी वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन आया और आपसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि वो लोएस्ट पॉइंट पर है,
तो टेंशन की वैल्यू मान लो टी है, वेट इसका क्या बनेगा एम जी बनेगा, और इसकी वेलोसिटी मान लो वी है। तो नेट फोर्स लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ एक्ट करेगी, टूवर्ड सेंटर, और नेट फोर्स है क्या टी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन बनेगी लोएस्ट पॉइंट पर। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन बनानी हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर दोनों फोर्सेस टी डैश बी और एम जी बी कहाँ एक्ट करेंगे टूवर्ड्स सेंटर इज एम, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी वी डैश है, स्क्वायर बाय आर, एम वी डैश स्क्वायर बाय आर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है। मैंने क्वेश्चन बता दी लोएस्ट पॉइंट पर टी माइनस एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन कहाँ है, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन है वो इस तरीके से होती है ना, बताया मैंने टेंशन यहाँ पे होती है, वेट ये रहा। तो टी माइनस एम जी नेट फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या, ये क्वेश्चन आ गई, टी की ये क्वेश्चन आ गई। आपको क्वेश्चन में एम पता है, जी पता है, एम पता है, आर पता है, ओमेगा पता है, निकालना टेंशन आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट क्या होगी इसमें, कोई डाउट इसमें? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट। फॉर्मूला वैल्यूज ही पुट करनी है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कॉइन इज प्लेस्ड ऑन द डिस्क, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड डिस्क इज म्यू। तो यानी कि डिस्क के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन है। डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क इज आर, तो डिस्टेंस सेंटर से कॉइन का आर है। द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ताकि वो कॉइन नीचे ना गिरे। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। देखो कॉइन जो गिरता है वो क्यों गिरता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल कहाँ एक्ट करती है टूवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है जो कहाँ एक्ट करती है अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है और एक मैन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और मान लो ये सिलेंडर जो है वो घूमता है विद ओमेगा, सिलेंडर ओमेगा के साथ घूमता है। तो सिलेंडर घूम रहा है तो सिलेंडर के बाद तो सेंट्रीपिटल है क्योंकि वो तो घूम रहा है, लेकिन अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो अवे फ्रॉम सेंटर जाएंगी क्योंकि इसके ऊपर क्या करेगी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होती है, अगर इसकी एक्सेलरेशन ए सी है तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, एम इंटू ए सी, एम इंटू ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ए सी क्या होता है, ए सी होता है आर ओमेगा का स्क्वायर, वो तो वही चीज़ है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है। अब क्योंकि इस मैन ने दीवार पे धक्का मारा तो दीवार ने इसके ऊपर नॉर्मल क्या लगाया, रिएक्शन लगाया। इसका वेट कितना है, एम जी, और मान लो यहाँ पर फ्रिक्शन भी है। क्वेश्चन में कहेगा कि ये फ्लोर हटा दो और बताओ ये ओमेगा की वैल्यू क्या रखें कि मैन नीचे ना गिरे। अब मैन स्लिप हो रहा है, स्लिप होते हुए इसको कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाएगी। तो इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू साफ पता लग रही है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर है, नॉर्मल रिएक्शन तो इसके इक्वल है। और आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेट से। आपकी फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू अगर वेट होगा तो ये मैन नीचे नहीं गिरेगा। तो म्यू टाइम्स एन की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आएगा तो वहाँ से ओमेगा भी आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है इसके अंदर। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मेरा क्वेश्चन मिलता जुलता है। मेरे क्वेश्चन के अंदर आपको एक डिस्क गिवन है, वो कह रहा है एक डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा, और आर डिस्टेंस के ऊपर इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक कॉइन पड़ा हुआ है। अब कॉइन जब ये डिस्क घूमेगी तो डिस्क के पास तो सेंट्रीपिटल है, वो तो घूम रही है, कोई मोटर लगी हुई है उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे जा रही है, पर कॉइन तो बाहर की तरफ गिरेगा। तो कॉइन के ऊपर बाहर की तरफ क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बाहर उठा के फेंकेगी। और अगर आप चाहते हो कि कॉइन बाहर ना गिरे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बड़ी होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल के। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, ये लो, और नॉर्मल रिएक्शन कॉइन का कितना है, एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, जो निकालना है निकाल लेना, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है कॉइन का, कि अगर आपके पास एक कॉइन है और आप चाहते हो कि ओमेगा की वैल्यू निकालो कि कॉइन बाहर ना गिरे,
तो मैंने क्या बताया, म्यू टाइम्स एम जी फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये तो दो बार लंबा स्टेप कर रहा है, एक ही स्टेप में करेंगे। म्यू टाइम्स एम जी शुड बी कम से कम एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ से ओमेगा निकाल लेना, एम से एम कैंसिल, सेम आंसर आएगा ओमेगा का। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 159th क्वेश्चन, स्मॉल ब्लॉक जिसका मास कितना है 100 ग्राम है इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 7.5। तो एक मास m है और एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के साथ लगा हुआ है और लेंथ की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए, तो ठीक है दूसरे स्प्रिंग एक एंड को बांध दिया। इफ द ब्लॉक मूव्स इन सर्कुलर पाथ, स्प्रिंग के साथ मास सर्कल में घूमना स्टार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, तो टेंशन स्प्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन क्या होनी है, स्प्रिंग बड़ा हो जाएगा, स्प्रिंग तो बड़ा हो ही जाएगा, तो स्प्रिंग आर रेडियस में घूम रहे हैं तो आपको टेंशन बतानी है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, टेंशन हमेशा एम आर ओमेगा स्क्वायर होगी, तो इसमें कुछ करना नहीं है। इसके अंदर सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आर क्या होगा, आर की वैल्यू इसमें होगी जो आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये हाँ ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे सिखाई भी थी, स्प्रिंग की फोर्स के एक्स है, स्प्रिंग की फोर्स के एक्स है और ये टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगी और सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगी मास को, तो मास कितने डिस्टेंस में घूमेगा, आर प्लस एक्स, जिसमें आर का मतलब है जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है और एक्स का मतलब है कितना स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर देना, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको ये बताना है कि स्प्रिंग की फोर्स कितनी है। तो तुम जब इसे इक्वेट करोगे तो स्प्रिंग की एक्सपेंशन आ जाएगी एक्स, स्प्रिंग कितना एक्सपैंड हुआ एक्स। तो इसके अंदर ऐसा करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर ये आर है, गलत किया हुआ है इसने, आर है तो ये बेसिकली वो ओरिजिनल लेंथ आर ले रहे हैं, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, और स्प्रिंग जब बड़ा हो गया तो नई लेंथ क्या होगी, आर प्लस एक्स, स्प्रिंग की फोर्स के एक्स क्या प्रोवाइड करेगी, एम आर प्लस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर ये प्रोवाइड करेगी। तो आप यहाँ से सॉल्व करके एक्स निकालेंगे, आपको सारी वैल्यूज इसमें गिवन है, मतलब बेसिक इक्वेशन वही है जो मैंने आपको हमेशा बताई है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में, चाइल्ड जिसका मास 5 केजी है वो एक मेरी गो राउंड पे झूले के ऊपर 1 rotation in 3.14 seconds, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है, 3.14 seconds के अंदर एक रोटेशन या एक रेवोल्यूशन है, 1 second के अंदर कितनी है, 1 upon 3.14 revolutions पर सेकेंड है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, रेडियस आर गिवन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालनी है, एम आर ओमेगा का स्क्वायर खत्म, फॉर्मूला लगाना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर आंसर, ओमेगा तो निकाल ले लिया, डन, ठीक है यहाँ तक। तो क्या सोचना है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ये इसमें तो जरूरत ही नहीं, कॉइन प्लेस ऑन रोटेटिंग टेबल स्लिप हो रहा है, कॉइन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया एक बार, और वो कह रहा है 1 centimeter रखा गया है, अगर एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दें, ओमेगा की जगह ओमेगा बाय 2 कर दें, तो इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस बताओ कब वो स्लिप होगा। देखो दो केस बनाने पड़ेंगे, पहले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो पहला केस है, केस देखो मेरे क्वेश्चन में तो वैल्यूज पुट करते रहना, पहले केस में मान लो ये डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा और कॉइन पड़ा हुआ है मान लो आर वन डिस्टेंस पे, तो इक्वेशन क्या बनाई थी, म्यू टाइम्स एम जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एम आर वन ओमेगा का स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आप बनाएंगे केस नंबर टू, केस नंबर टू में म्यू टाइम्स एम जी तो सेम ही है, ये तो चेंज ही हुआ, मास भी सेम है, आपको बताना है आर टू क्या होगा, ये आपको निकालना है जब ओमेगा की वैल्यू कितनी करनी है, हाफ। अब तो मैंने इक्वेट कर लेना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, निकाल के आपके पास आर टू की वैल्यू आ जाएगी आंसर में, पर बेसिक क्वेश्चन कॉइन की यही रहेगी, जो मर्जी क्वेश्चन कर लो, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है इजी, कुछ नहीं करना है इसमें, ये करो,
क्वेश्चन है, अ बॉडी जिसका मास 200 ग्राम है इज टाइड टू द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 12.5 व्हाइल द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स एट पॉइंट ओ. बॉडी मूव्स अबाउट ओ इन सर्कुलर पाथ विद ओमेगा गिवन. रेशियो ऑफ एक्सटेंशन द स्प्रिंग टू द नेचुरल लेंथ विल बी इक्वल. सेम क्वेश्चन है स्प्रिंग वाला, फिर वही स्प्रिंग, फिर वही मास. तो बेसिक इक्वेशन तो फिर से सेम है कि एक्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एक्स इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग. तो यहाँ से सारी वैल्यूज गिवन है, एक्स और एल नहीं गिवन, तो तुम्हें एक्स और एल की रेशियो निकालनी है. सब वैल्यू पुट करके बेसिक इक्वेशन स्प्रिंग और मास की वही है, एक्स और एल की रेशियो निकाल लेना आंसर है. तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, बार बार तभी कहते हैं पी वाई क्यू बहुत करने चाहिए. आपको ना पूरा पैटर्न दिखता है कि किस टाइप से क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, तो बहुत आइडिया होता है इससे. नेक्स्ट, कार इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. कार इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ वी गिवन. सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रैक का कोई बैंकिंग नहीं है. बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय मासलेस स्ट्रिंग. एंगल क्या बनेगा ये बताओ. मतलब आप एक राउंड अबाउट पे कार को घुमा रहे हो, आपने एक ऐसे पेंडुलम टांग लिया कार की छत पे. जब आप कार आपकी घूम रही है, कार के पास तो सेंट्रिपेटल है, आपका पेंडुलम अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से. वो कह रहे हैं एंगल क्या बनेगा ये बताओ. कार के अंदर मान लो ये केस बना, इस केस में धागे में टेंशन आ जाएगी, उसने एंगल थीटा बनाया, टी साइन थीटा टी कॉस थीटा बना, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो टी कॉस थीटा, और ये टी एम जी. तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रिपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर. ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक. इन्हें डिवाइड करके टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ गया. और कुछ भी नहीं करना, वही सेम चीज़ है. तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर ये कार है, मैं कार बना देता हूँ ऐसे. गाड़ी के अंदर सब कुछ चल रहा है. अब गाड़ी जो है, गाड़ी का जो सेंटर है वो कहीं यहाँ है, मतलब कार ऐसे घूम रही है, तो पेंडुलम अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा. और क्यों जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगी. सेंट्रीफ्यूगल क्या लगेगी, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो कार के पास सेंट्रीपेटल है, पेंडुलम के पास बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल है. तो ना अगर मैं इसे, ये कार है, रूम कार है, कार घूम रही है, मान लो उसका सेंटर वहाँ है, तो पेंडुलम इधर चला जाएगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी एम वी स्क्वायर बाय आर. अब क्योंकि ये थीटा एंगल पे रुक गया, अगर रुक गया तो टी कॉस थीटा एम जी के इक्वल है, टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल है, इक्विलिब्रियम आ गया. इन्हें डिवाइड करके टैन थीटा निकाल लेना. टैन थीटा कौन सा, वी स्क्वायर बाय आर जी, मतलब कर सकते हो अगर याद रख सकते हो तो. कल को चेंज हो गया क्वेश्चन तो मैं कह नहीं सकता, ट्राई ऐसे ही कर लेना चाहिए ट्राई. कार इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल कर्व विद अ रेडियस गिवन. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार क्या होगी. बैंकिंग नहीं है, बिना बैंकिंग आज हमने फॉर्मूला किया था. बिना बैंकिंग के फॉर्मूला क्या था, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो वहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाओ. इससे छोटा क्वेश्चन मिलेगा उसे दुनिया में बनेगा नहीं नॉन मेडिकल में. मतलब ये तो एन सी आर टी में बोलते रहो, स्कूल में भी नहीं आता है यार. कौन से साल का पेपर है ये, 23-24 में कमाल करके रखे बढ़ते हैं, 25 कमाल कर दे, बाकी सब तो ठीक है. देखो जिसका मास 1 के जी है टाई टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर. इफ़ द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन, द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी वी बताना है
ताकि वो टूटे ना। ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सर्कल है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में टी क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर, कुछ नहीं करना है इसमें। टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से क्या निकालना है, वी निकालना है। अगर टी मैक्स है तो वी भी मैक्स है, क्रॉस मॉडल ले करके वी निकाल लो आंसर, कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव। तो ग्रूव हैज अ स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन, ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स अगेंस्ट द वॉल विद द स्पीड ऑफ वी। तो ये साथ 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 इस ग्रूव के साथ साथ घूम रहा है विद द स्पीड ऑफ वी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक। अब दीवार के साथ साथ मूव करने का मतलब दीवार पे ये बॉडी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, बदले में दीवार क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। वो नॉर्मल रिएक्शन और वी का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, नॉर्मल रिएक्शन है क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर, और कोई फोर्स है ही नहीं। तुम दीवार से चिपक चिपक के चलोगे तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, उसके ऊपर दीवार पे फोर्स लगा रहे हो, दीवार तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही है और वो फोर्स हमेशा एक्ट कर रही है टुवर्ड सेंटर, और तो कुछ है ही नहीं। तो हॉरिजॉन्टल बेसिकली कुछ नहीं हो रहा। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि इस ब्लॉक को किसी ने स्ट्रिंग के साथ पकड़ रखा है, घुमा रहा है, तो टेंशन इज एम वी स्क्वायर बाय आर। और अगर स्ट्रिंग नहीं है तो एक ही फोर्स है टुवर्ड सेंटर, और वो क्या है, और कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर। एन और वी स्क्वायर का रिलेशन पैराबोलिक है, तो इसमें ग्राफ नंबर ए मार्क कर लेना, पैराबोलिक ग्राफ है। बॉय टाइज अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम। तो एक पत्थर बांध दिया 100 ग्राम का टू द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, 2 मीटर है, पत्थर बांध दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन पता है, मैक्सिमम स्पीड इसके इक्वल है के बताओ। अरे पत्थर जब हॉरिजॉन्टल घूमेगा तो इक्वेशन ही एक है, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो मर्जी कर लो। तो टी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, आपको इसमें टी पता है, मास लेंथ सब पता है, सॉल्व करके ओमेगा निकाल लो। पर वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ओमेगा कितना है मेरा, इतना ओमेगा है। तो तुम अपना निकाला हुआ ओमेगा इसके साथ क्या कर लो, इक्वेट कर लो। बस एक चीज का ख्याल रख लेना, जो तुम ओमेगा निकालोगे वो रेडियस पर सेकंड में आएगा, और तुम्हें कंपेयर किसके साथ करना है, ओमेगा क्या गिवन है, रेवोल्यूशंस पर मिनट के साथ। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, या तो इसी को चेंज कर लो, तुम्हारा ओमेगा मान लो कितना आ गया, 20 रेडियंस पर सेकंड आ गया। तो तुम एक काम कर लो, इसको चेंज कर लो के बाय पाई, रेवोल्यूशंस पर मिनट में क्या करेंगे, इसको 1/60 करके क्या करेंगे, आरपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर ओमेगा क्या आएगा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, 2π इंटू के डिवाइडेड बाय 60 इंटू पाई। ये ओमेगा आ गया, ये ओमेगा आपको पता है, दोनों को इक्वेट कर दो, के निकाल लो, ठीक है। तो यूनिट्स को ठीक तरह कर लेना इसे, तब आंसर आएगा। डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बॉटम। तो एक डिस्क है, बीकर बॉटम, बीकर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर। ये बिल्कुल वैसा ही है, डिस्क के ऊपर क्वाइन की जगह बीकर रख दिया, बस हो गया। तो क्वाइन वाला क्वेश्चन है या बीकर वाला क्वेश्चन है, फर्क ही कहां पड़ रहा है, ये देखो। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, फर्क ही नहीं पड़ रहा, स्टेटमेंट फर्क कर दी, मतलब कंफ्यूज कर दिया। डिस्क और क्वाइन लोगों को याद हो गया, उसे डिस्क और बीकर रख दिया, तो बीकर ना गिरे तो अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल, सेम आंसर है इसमें। प्लस वन के अंदर यही वो सर्कुलर था जिसको करने में एक हफ्ता लगता था, और तुम कहते थे यार बड़ा टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। अब तुम्हें खुद ही अजीब लग रहा होगा, और जो प्लस वन के स्टूडेंट साथ में बैठे होंगे उनको भी कितना अजीब लग रहा होगा कि यार हम कितना कहा करते थे सर्कुलर पे, ये है चैप्टर, तो अब लगा है नॉन मेडिकल, ठीक है, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तुम देखो तो सही कि किस लेवल पे चल रहा है। मेरे को लगता है कि आज रात को बैठोगे और 5-7 घंटे में कम से कम नहीं तो 30-35 क्वेश्चन तो हो भी सकते हैं, ज़्यादा ही ना हो जाए 50 तक हो जाएंगे, ज़्यादा हो गए, अच्छा ज़्यादा, अच्छा बोल दिया, अच्छा ठीक है, पूरी की पूरी सर्कुलर खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली यार 50 क्वेश्चन तो नहीं करोगे ना यार 4 घंटे में, ठीक। तो क्या करोगे इसमें, 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन तो मेज में भी करने ही हैं, और 45 तो नीट में लोगों को करने हैं। तो तुम्हारी एफिशिएंसी आज की डेट में 100-150 क्वेश्चन की होनी चाहिए कम से कम,
तो जो अब जिसका फाइनल पेपर है यार, वो 50 के साथ कैसे क्लियर करेगा? नहीं करेगा, वो पूरी के पूरे चैप्टर को ख़त्म करे। और बस अब मैं कल प्लान डाल दूंगा आपका किस दिन कौन सा टेस्ट है, अब टेस्टिंग के ऊपर चलते हैं। तो शुरू कर लो, फोर्स एंड फ्रिक्शन सर्कुलर का पहला टेस्ट होगा, बना के दूंगा सीक्वेंस, टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उधर से प्लस टू की टेस्टिंग भी स्टार्ट होगी, उधर से प्लस वन की भी होगी, दोनों चीज़ें इकट्ठी चलनी है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, भी पूछ लेना, कंपटीशन में जो सबसे स्कोरिंग पार्ट रहेगा वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रहेगा। मैथ में 20-23 अटेम्प्ट मैंने नहीं आज तक सुने कि मैंने 23 कर दिया और मेरे 22 ठीक हो गए। अटेम्प्ट बहुत, मतलब इतना ज्यादा होता नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स आप देख रहे हो, केमिस्ट्री भी देख लेना, मॉडरेट लेवल की आएगी। मतलब कि आप ये इमेज आप देख लें, जो ठीक तैयारी करते हैं फिजिक्स में 25 में से 25, 25 में से 23, 25 में से 22, 25 में से 24 तक ठीक कराते हैं, जो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 25 में से 25 करना तो बहुत ही बड़ी बात है, पर हो जाते हैं, आउट ऑफ रेंज तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ये नहीं कहते कि आज की डेट में होंगे नहीं, अगर इस लेवल का पेपर आएगा फिर तो हो ही जाएगा, अगर ढंग से तैयारी की जाए हो भी सकता है। केमिस्ट्री के अंदर भी लोगों के 23-23 अटैम्प्ट हो जाते हैं, मैथ के अंदर अटैम्प्ट 23 नहीं रहता, बट ये फिर परसेंटाइल उसके हिसाब से आता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अटैम्प्ट कम है, 15 है तो फिर तुम आउट हो गए, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया के फिर 15 ही हैं, उसी रेंज में चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी आप फाइनल पेपर दें, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई मर्जी पेपर पहले अटैम्प्ट करें, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। कई लोग मैथ भी करते हैं, पर मेरी मतलब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले आपको केमिस्ट्री करनी चाहिए, हालांकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आपको केमिस्ट्री करनी चाहिए, आपको फिर फिजिक्स करनी चाहिए, और इन दोनों सेक्शन में से टाइम निकालना चाहिए, वो टाइम मैथ पे लगाना चाहिए। तुम्हारा पेपर एक घंटे में मैथ्स का ख़त्म नहीं होगा, पक्की बात है। तुम्हें कम से कम नहीं तो एक घंटा 15 या 20 मिनट चाहिए, और वो तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स ही दे पाएंगे, और दे ही नहीं पाएंगे। केमिस्ट्री दे देगी आपको 10 मिनट तो आराम से देगी, सेम विद मेडिकल ऑल्सो, बायो और केमिस्ट्री आपको देगी स्पेस देगी, वो आप फिजिक्स में ही लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स का पेपर एक घंटे में करना थोड़ा मुश्किल होता है प्रेशर में। ठीक, मॉक टेस्ट में करके देखेंगे ना, अभी जिसको जो शौक चढ़ा है वो मॉक टेस्ट 10 होने वाले हैं, 15 उसमें लगा के देखें, जो करना चाहे वैसे कर लें। ठीक, पार्टिकल फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलेरेशन ए वेक्टर एट एनी पॉइंट पी ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इज व्हाट? एक्सेलेरेशन बतानी है। देखो, जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके पास जो एक्सेलेरेशन है उसका नाम क्या है? सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल कहाँ करेगी? टुवर्ड सेंटर, और ये एंगल थीटा है। अब सबको पता है कि अगर ये एक्सेलेरेशन यहाँ पे एक्ट करेगी और ये आपका एक्स और वाई एक्सेस है ऐसे, तो ये एक्सेलेरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आने वाले हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, तो दो कंपोनेंट यानी यही बना लो, ये देखो ए वेक्टर है, यहाँ बन जाएगा एक वेक्टर, यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। अगर ये थीटा तो ये भी क्या है? थीटा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? ए कॉस थीटा। ये वैल्यू क्या आएगी? ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा कहाँ पर आ रहा है? माइनस जे कैप। और ए कॉस थीटा कहाँ पर आ रहा है? माइनस आई कैप, लेफ्ट का मतलब माइनस आई कैप। तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है एक्सेलेरेशन की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाय आर, तो ऑप्शन मार्क कर लेना, वी स्क्वायर बाय आर पुट करके। ठीक, तो इस तरीके से आप इसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करके पता करेंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, बॉल को रिलीज किया जा रहा है कहाँ से? पी पॉइंट से। पी पॉइंट से बॉल चली और रास्ते में वो क्यू पे आई, फिर आर पे आई और नीचे आएगी। तो जब वो क्यू पे आई उसका एंगल कितना है? अल्फा। तो रेशियो ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, रेशियो ऑफ यहाँ पे क्यू पॉइंट पर सेंट्रीपेटल फोर्स निकाल लो और क्यू पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। तो इज ए, वो कह रहा है कि इज ए व्हाइल एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट क्यू इज अल्फा, बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा? मतलब पहले आप रेशियो निकाल लो, किसकी? सेंट्रीपेटल फोर्स की और नॉर्मल रिएक्शन की। उस रेशियो का नाम रखो ए, फिर उसको ए और अल्फा के साथ ग्राफ प्लॉट करो, क्या ग्राफ होगा? ठीक है, चलो आराम से करते हैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब उस टाइम ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको एक ज्योमेट्री आती है। ज्योमेट्री क्या आती है? कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर ब्लॉक यहाँ पर है या ये बॉडी यहाँ पर है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ करेगा? टूवर्ड्स सेंटर, सही है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया गया यू इज इक्वल टू जीरो, और किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर आया, यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी।
वी वेलोसिटी होगी, क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? इसका रेडियस कितना है आर, तो ये लेंथ आ जाएगी आर इंटू साइन ऑफ एल्फा। तो u इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ पर सेम, तो आपके पास वेलोसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ 2gr साइन अल्फा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इस पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगी, mv स्क्वायर बाय r, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें वेलोसिटी तो पता लगी चुकी है, तो तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी सेंट्रीपेटल तो एक मिनट में आती है, mv स्क्वायर बाय r, और तुम्हें वेलोसिटी पता है, पुट करके क्या आ गई, सेंट्रीपेटल आ गई, सेंट्रीपेटल फोर्स आ गई। अब तुम्हें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। प्रॉब्लम ये है कि जब नॉर्मल रिएक्शन है तो यहाँ पर इस बॉडी का वेट mg बनेगा, और अल्फा अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये बनेगा 90 माइनस अल्फा, तो एक कंपोनेंट बनेगा mg इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, जिसको सॉल्व करके क्या आएगा, mg इंटू साइन अल्फा, क्योंकि और इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ पर भी, तो इसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी है, n माइनस mg साइन अल्फा। सेंटर की तरफ फोर्स क्या बनेगी, n माइनस mg साइन अल्फा, तो n n माइनस mg साइन अल्फा, n माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये बनेगा नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन। तो आप एक काम करना, आप यहां से n माइनस mg साइन अल्फा इज mv स्क्वायर बाय r, राइट साइड पे mg साइन अल्फा आ गया, mv स्क्वायर बाय r तो निकाल चुके हो सेंट्रीपेटल, उसको उठा के यहाँ पे पुट करके नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब तुम्हारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स आ गई, तुम्हारे पास नॉर्मल रिएक्शन आ गया, तू मैंने डिवाइड करो, उसने क्या बोला था कि सेंट्रीपेटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो को ए बोलते हैं, और ए क्या आ गया, 2/3 विच इज अ कॉन्स्टेंट, तो ए तो यानी कि चेंज ही नहीं कर रहा, और अगर ए चेंज नहीं हो रहा तो स्ट्रेट लाइन है, सी आंसर डन, क्लोज हो गया। ठीक है यहाँ तक, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, स्प्रिंग वाला ये आसान है क्वेश्चन, में कुछ करना नहीं है। ये लो, ठीक, नेक्स्ट है, मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार ऑफ मास एम इज ट्रेवलिंग ऑन अ फ्लैट ट्रैक इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है उस पर एक गाड़ी चल रही है, तो वो कह रहा है इफ द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड ट्रैक इज म्यू एस, तो इसमें म्यू आपको गिवन है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव लिफ्ट एफ एल एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द कार इज, तो कह रहा है जी इसमें एक नेगेटिव लिफ्ट लग रही है, लग रहा है एक फोर्स लग रही है, और ये नीचे कार के नीचे ऐसे लग रही है, दबा रही है, कार को दबा रही है, कौन लगा रहा है उसके टेंशन में मत पड़ो, बस एक फोर्स लग रही है जो कार को दबा रही है नीचे की तरफ, इसकी वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन है। जब आप एक कार चल रही है, देखो कार नॉर्मल सड़क पे चलती है, उसका नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट उसका एम जी है, वर्टिकल फोर्स तो दो ही हैं, अब तुम जाके अगर एफ वी लगा दोगे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है, जब एक कार लेवल रोड पे घूमती है, हमने अभी किया था, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है सेंट्रीपेटल, यही रूल है, तो यहाँ से n क्या आ गया, mv स्क्वायर बाय म्यू आर। अब तुमने क्या किया, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है कार का, नीचे, और फोर्स एफ एल भी कहाँ एक्ट कर रही है, उसको कार को दबा रही है, तो नीचे की तरफ टोटल फोर्स क्या आ गई, mg प्लस एफ एल। अब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया आपका, पर नॉर्मल रिएक्शन तो आप निकाल चुके, एफ एल की वैल्यू क्या होगी, एम जी माइनस एन, और एन तो निकाल चुके हो, यहाँ से एफ एल आ जाएगा, एफ एल एन को यहाँ पुट कर देना, एफ एल आ जाएगा, कुछ नहीं है स्टेटमेंट में, कन्फ्यूजन है अंदर, कुछ नहीं है, बस वो एक ही एक्स्ट्रा जीरो को दबा के नॉर्मल रिएक्शन चेंज कर दिया।
क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कमफ्रेंस में, आर रेडियस में घूम रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ सम सेंट्रीपेटल फोर्स होना चाहिए, चलो एफ, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब एक फॉर्मूला चेंज कर दिया उसने, सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर है, वो कहते हैं जी आर लेना, आर क्यूब लेना है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में बहुत आते हैं, तो वैसे ही करना है आपको इसमें। तो आपको क्या करना है, वो जो कह रहा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स है वो पूरी दुनिया में एम वी स्क्वायर बाय आर ही होती है, और वो कह रहे हैं कि एक जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक बॉडी पे एक्ट कर रही है, और वो जो फोर्स है उसे सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रही है, वो जो फोर्स है वो क्या लगेगी, के बाई आर क्यूब, मतलब एक नई फोर्स बनानी है जो सेंट्रीपेटल की तरह काम करती है। जैसे वो नहीं करते थे कि ग्रेविटेशन में अगर न्यूटन का लॉ चेंज कर दें और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर स्क्वायर की जगह आर की पावर थ्री कर दें तो फिर टाइम पीरियड क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, एक बॉडी घूम रही है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है मुझे खुद नहीं पता, पर वो जो भी लग रही है वो कुछ ऐसी लग रही है और वो एम वी स्क्वायर बाय आर है। यहाँ से इक्वेट करके वी निकाल लेना, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकलती थी सैटेलाइट की, सेम ही तो है, वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड क्या है, टू पाई आर बाई वी, आंसर आ गया। वैसे बेटर है इसकी जगह तुम पुट कर लो एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को पुट कर लेना टू पाई बाई टी, एक मिनट में टी आ जाएगा, दो स्टेप बचते हैं आपके। जब भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालने हैं ना तो सेंट्रीपेटल को एम वी स्क्वायर बाई आर की जगह एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट करना चाहिए, और ओमेगा को टू पाई बाई टी, सीधा टी आता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। फिर से स्प्रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब तंग आ गया हूँ स्प्रिंग वाले क्वेश्चन को देख देख के, ठीक। ये लो, फॉर्म रॉड है, लेंथ एल है, बीइंग रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ टेंशन जनरेटेड इन द रॉड ड्यू टू रोटेशन इज टी एक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द मोस्ट क्लोजली। वो कह रहे हैं एक ना रॉड घूम रही है, बस रॉड घूम रही है। अब रॉड की प्रॉब्लम क्या है, देखो रॉड की यह समस्या है कि जो रॉड है, जो एक रॉड है, अगर वो सर्कल में घूमती है, ये रॉड है, और लेट अस सपोज वो रोटेट कर रही है विद ओमेगा, विद ओमेगा रोटेट कर रही है, एक्स डिस्टेंस पे ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे टेंशन क्या है, टी। अब यहाँ पे जो टेंशन होगी
वो क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर हॉरिजॉन्टल सर्कल है, रेडियस क्या लें, ये एलिमेंट इतने रेडियस में घूम रहा है, ये रहा एम आर ओमेगा। अब जितना एलिमेंट दूर जाएगा उसका रेडियस बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगी, आर बढ़ने से टेंशन बढ़ेगी। उसने क्या पूछा कि टेंशन एक्स डिस्टेंस पे निकाल लो, और टेंशन एक्स डिस्टेंस पे जो निकलेगी वो एल के साथ एक्स के साथ कैसे रिलेशन रखेगी ये बताओ, मतलब टेंशन एक्स के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, एक्स के साथ टेंशन पड़ेगी, तो तुम्हें फंक्शन निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा टेंशन का इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा। तो तुम्हें काम करना है इसमें, तो तुम इस केस में एक ऐसा करो, तुम एक रॉड लो, ये रही एक रॉड, इस रॉड को आपने यहाँ से घुमाया विद ओमेगा, तुम एक एलिमेंट लो, ये रहा तुम्हारा एलिमेंट जिसकी लेंथ क्या है डी एक्स, टोटल लेंथ क्या है एल, और ये एलिमेंट की दूरी कितनी है एक्स, ठीक, और इस एलिमेंट का छोटा सा मास कितना है डी एम, डी एम क्या है एम बाय एल इंटू डी एक्स, ठीक है, मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ, तो पूरी रॉड का मास लेंथ के वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मास क्या आएगा एम बाय एल इंटू डी एक्स। तो आप ये कंसिडर करो, अब क्या करोगे, टेंशन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इसका रेडियस क्या है एक्स, मास क्या है इसका डी एम, तो रेडियस क्या है इसका एक्स, ओमेगा आपको पता है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे हो कैसे लगा, एम की जगह डी एम, आर की जगह एक्स, और ओमेगा की जगह ओमेगा, तो टेंशन की वैल्यू आ गई, तो आपने इस डी एम की जगह वैल्यू पुट की कितनी, एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो एम बाई एल इंटू ये टर्म आ गई। अब आपको लिमिट क्या लगानी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो जो लिमिट लगानी है यहाँ पे इस रॉड पे, आपने ये एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट की लोकेशन क्या थी x, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा l, एंड में l, यहाँ पे जो टेंशन है, यहाँ पे जो जोर है वो यहाँ से यहाँ की मास की वजह से लग रहा है, देखो यहाँ पे जो जोर है वो कैसे लग रहा है, अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि एक रस्सी है, एक रस्सी है, और ये रहा इसका एक मास है, एक रस्सी हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, तो यहाँ पे जो टेंशन है वो यहाँ पे जो मास है इनटू आर ओमेगा स्क्वायर लगता है, ऐसे ही करते हो, तो तुम राइट पे जो मास है, एंड में जो मास है वो सारा कंसिडर करते हो। अब ये इमेजिन करो ना, ये एक मास है, एक रस्सी है और ये मास है, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ का टोटल लेंथ लेनी है, जो इसके ऊपर क्या लगाएगी, सेंट्रीपिटल लगाएगी, सेंट्रीपिटल में बेसिकली क्या होगा, पूरे का पूरा मास, जो पीछे का मास है वो कंसिडर करना है, ये वाला नहीं, इसका तो रेडियस कंसिडर करना है। टेंशन देखो ना, अच्छा ऐसा मान लो आप इस रॉड के दो हिस्से मान लो, ये आपका पहला हिस्सा है, ये आपका दूसरा हिस्सा है, आपको टेंशन कहाँ निकालनी है, इस हिस्से पे निकालनी है, इस हिस्से की टेंशन कैसे होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, और तुम अपना न्यूमेरिकल किस पे कर रहे हो, इस पे कर रहे हो, क्योंकि ये वाला हिस्सा ही इसके ऊपर क्या लगाएगा, जोर लगाएगा, तो ये जो हिस्सा होगा उसकी लेंथ क्या लेंगे, उसकी लेंथ लेंगे यहां से यहां तक, या ऐसा मान लो आपको टेंशन कहाँ निकालनी है, एट अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है, आपको टेंशन की वैल्यू क्या निकालनी है, एक्स की फॉर्म में निकालनी है, तो आप अपनी पहली लिमिट क्या पुट करोगे, एक्स पुट करोगे, और आखिरी लिमिट क्या पुट करोगे, अब जीरो से एल तो पुट करोगे नहीं, क्योंकि अगर आपने जीरो से एल पुट कर दी तो फिर तो एक्स नहीं आएगा, अगर इंटीग्रेशन से भी देखें एक्स को तो लाना पड़ेगा, तो मैं पहली लिमिट क्या पुट करता हूँ, एक्स पुट करता हूँ, और मैं दूसरी लिमिट क्या पुट करता हूँ, एंड रॉड पे यानी कि एल पुट करता हूँ। अगर मेरे को टेंशन कहाँ निकालनी है, अगर मेरे को पूरी की पूरी टेंशन निकालनी है तो फिर मैं जीरो से एल पुट करूँगा ना, अभी तो मैं अपना फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ एक्स की फॉर्म में, तो मैं एक्स से एल पुट करूँगा, और अगर पूरा निकालना है तो जीरो से एल पुट करूँगा, पर मैं तो जानबूझ के एक्स के साथ काम करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा आंसर एक्स की फॉर्म में आए, तो एक्स की फॉर्म में ये आंसर आएगा, और ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बनेगा। अब इसको चेक करने का एक और भी तरीका है, जो भी तुमने ऑप्शन बनाया उसमें अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, उसमें अगर ये देखो ना लिखा हुआ है एक्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो आपकी टेंशन की वैल्यू क्या होगी, या चलो एक्स एल हो जाए, सॉरी जीरो की जगह एल हो जाए, अगर एक्स एल हो जाए तो टेंशन क्या होगी, ज़ीरो। चेक करें, एक्स अगर एल हो जाए तो टेंशन क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल टेंशन एक्स एल का पॉइंट कहाँ मिलेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे, कॉर्नर पे टेंशन क्या होगी, ज़ीरो।
फिर पास पास आने में टेंशन बढ़ती 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 जाएगी। सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होगी? रॉड के इस हिस्से पे, जो एक्सिस के पास हिस्सा है, सबसे ज़्यादा। फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज़्यादा इसलिए पूरी की पूरी रॉड यहाँ पर जोर लगा रही है, यहाँ पे जोर कम लगा रही है, यहाँ पे कम लगा रही है, यहाँ पे कम लगा रही है, यहाँ बिल्कुल कम लगा रही है। इसलिए मैं मास राइट वाला मास ले रहा हूँ, लेफ्ट वाला मास नहीं ले रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए एक्स से एल की लिमिट लगी है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है इंसेक्ट वाला। आज जो मैंने थ्योरी में हेमीस्फेयर बताया था, उसने बस फेयर कर दिया। मैंने हेमीस्फेयर का डायग्राम बनाया, इसमें निकालना क्या है, एक बीड है तो वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालना है। मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखा दिया कि नॉर्मल रिएक्शन बनाना है टुवर्ड सेंटर, फिर एन कॉस थीटा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंटर के साथ, लेट अस सपोज एंगल क्या बनाता है, थीटा, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, और कितने रेडियस में इंसेक्ट घूम रहा है, या ये बीड घूम रहा है, आर बाई टू। तो एन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एम जी, और एन साइन थीटा जो है वो क्या करेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, पर रेडियस क्या पुट करना है, आर बाई टू। बस इन्हें डिवाइड करके ओमेगा निकाल लेना आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है? हेमीस्फेयर हो, स्फेयर हो, इंसेक्ट हो, बीड हो, साथ साथ घूमेगा, उसका एक ही डायग्राम है और कोई डायग्राम ही नहीं है, जो आज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर। तो सर्कल का रेडियस 600 मीटर है। सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सलेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आर इक्वल। यानी कि ये जो बॉडी है इसकी स्पीड पक्का चेंज हो रही है, तभी इसमें सेंट्रीपिटल भी है, तभी इसमें सेंट्रीपिटल भी है। द टाइम टेकन बाई द कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द रेवोल्यूशन, क्वार्टर समझते हो, 1/4, कितने समय में वो स्पीड चेंज कर रही है, 1/4 रेवोल्यूशन कितने समय में कवर होगा, और अगर उसकी इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है और वो टाइम इसके इक्वल है, तो तुम भी अपना टाइम निकालो, उसके साथ कंपेयर करो और टी बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। चलो हम अपना टाइम निकालते हैं। कार स्टार्ट हुई है 54 किलोमीटर पर आर, 54 का मतलब क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। सेंटीपिटल एक्सलेशन कितनी थी उसके पास, v² / r। ये क्वेश्चन मेडिकल के लिए नहीं है, प्लीज़, नॉन मेडिकल ओनली। तो सेंटीपिटल एक्सलेशन क्या है, v² / r। तो एक्सलेशन होती क्या है, dv/dt इज इक्वल टू v² / r। तुम इसमें काम करो, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड करो। dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी v, और ये क्या है, dv/dx। ये टर्म क्या बन गई, वेलोसिटी v, dv/dx इज v² / r। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीवी एक तरफ, वी वाली मतलब की टर्म्स एक तरफ, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ। मैंने इसलिए किया क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल मुझे पता है कितनी, 15। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और थोड़ी देर में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी। जब बॉडी चली थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और थोड़ी देर में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई उसकी, एक्स, एक्स डिस्टेंस कवर कर गई बॉडी, तो डिस्टेंस उसका एक्स हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मैथ्स वाले लोग जानते हैं लॉग की फॉर्म में, ये टर्म आएगी और ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। अब एक्स वाली टर्म एक तरफ और dt वाली टर्म एक तरफ, फिर लिमिट लगेगी 0 से t, 0 से क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। कर लेना सॉल्व, यहाँ से टाइम आएगा, ये टर्म आपका टाइम आएगा, उसने भी कुछ ऐसा टाइम गिवन दिया हुआ है, टी से टी कंपेयर करके टी की वैल्यू 40 आ जाएगी। मतलब इसमें +2 का मैथ लग रहा है, जो आप इंटीग्रेशन सीखते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें मेडिकल में नहीं आएगा। ठीक है,